एगो प्रसंग आप सबके बीच हम सुनावे जा रहल बानी। आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा कि आप सब अपन प्यार दुलार ए छोट लड़का के जरूर प्रदान करब। धन्यवाद। हम चली कथा के भाव ऐजा से बा। जब माता सीता के खोज करे खातिर बानर सेना के एक दल समुद्र के किनार पर पहुंचल बा, जना के नेतृत्व अंगद जी कर रहल बानी। जना में ऋक्षराज जामुंद जी बानी, हनुमान जी बानी, नल नील बाए, बहुत सारे बानर योद्धा पहुंचल वालो वो समुद्र के तीर पर, जहां जटायु जी के भाई संपाति से मुलाकात होता। आ, अपना दृष्टि से देख करके संपाति जी बता रहल बनी कि सौ जोजन समुद्र के हो पार लंका नगरी में माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल हो करके बैठल बारी। इतना बात सुनला के बाद अब विचार बानरी दल में ही हो रहल बा कि सौ जोजन समुद्र के पार के करी। अंगद जी कहले कि जा तो सकीला लेकिन आवे में संशय बा। जामोंत जी भी असमर्थता जाहिर कैनी कि अब तो बुढ़ापा आ गई, न तो जौन घरी भगवान बामन के रूप धारण कैले रहनी, हाँ ए धरती के परिक्रमा करे में हमारा समय ना लग रहा। सारा बानरी दल लोग असमर्थता जाहिर कई, तब जाकर के हनुमान जी एगो शिला पर बैठ के भगवान के नाम के जपतानी। देखी गोस्वामी जी मानस में लिखतानी का भाव में बाबा। अब देखी यही बात के गोस्वामी जी मानस में लिख रहा बानी कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा। कहीं ऋक्षपति सुनो हनुमान, चुप साधी रहे बलवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वता तारा। अब देखी यही बात के कवि अपना भाव में कहता रे काहो कि नल नील जामवंत अंगद जी मन में करे ले विचार की के ओह पार जाई, एह में जे वीर बलवान बुद्धिमान होई, से ही मां सीता के सुधिया लगाई। जामवंत कहले जब बलि के बांधेला, बामन के रूप धैले रहन रघुराई, ओह घरी धरती के साथ चक्कर लाई देनी।
बाकी आ गई बुढ़ापा अब ना बा तरुनाई। अंजनी के लाल जवन कालो के काल हवे, करी जागो हार उहे होई है सहाई। लोकनाथ अंगद तू हमनी के नेता हव, कहले रामा शंकर तुह के लंका ना भेजा। लेकिन जब जा करके जामोद जी महाराज हनुमान जी से ही कहनी कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। इतने बात के सुन करके हनुमान जी के शरीर पर्वताकार हो गई, सिंह के समान गर्जना कर लगनी। कभी कहत अरे का बबुआ, हर कहत अरे जामवंत, कहत अरे जामवंत, अरे सुन हनुमान के बात हरा लेखा, के बात हरा लेखा, अरे जगावा में भी पहलवान के बात हरा लेखा, तहरा लेखा जगावा में वीर बलवान। कवन ऐसन काज बाकी तो हसे ना होई, राम कारण जन्म भइल जाने सब कोई। समान के बात हरा लेखा, दुनिया में वीर बलवान के बात लेखा, दुनिया में वीर बलवान के बात हरा लेखा, जगवा में वीर बलवान। जब इतना बात जामोद जी हनुमान जी से कहनी, हनुमान जी पर्वताकार शरीर में होकर के गर्जना कर लगनी, हे जामोद जी कहीं का आदेश बा, कलंका के उखाड़ करके जा लेके चले रावण के तमाम निशाचर के समेत समाप्त कर दी। जामवंत जी कह रहल बानी, देखी सुंदर कांड के पहिल का चौपाई जामवंत जी कह रहल बा बबुआ हो, कि जामवंत के वचन सुहाए, असुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखी ये सुंदर कांड सुंदर काहे भइल, एकर अनेको कारण बा। विद्वान लोग अपना अपना मत से कहल, एमे आठ बार गोस्वामी जी सुंदर शब्द के प्रयोग कैले बानी। आठवां अक्षर से सुंदर कांड के शुरुआत हो, पहिलका चौपाई में ज अक्षर लागल तो क ख ग घ अंग च छ ज, आठवां अक्षर से शुरुआत, आठवां अंग से हनुमान जी सुंदर है। ये सुंदर कांड के बारे में कहल गई, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरम मंत्रम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर ए से भई कि बबुआ, एहमे शुरुआत में कहल के रामा दल के सबसे वृद्ध जामवंत जी, आ सुनल के रामा दल के जे जवान रहले नौजवान रहले हनुमान जी, आ बूढ़ के बात सुन के आ जवान ओकरा अनुसार काम कैले, तो देखी ऐसे शिक्षा मिलता कि जहाँ बूढ़ के बात सुन के नौजवान ओकरा पर चली है तो वो काम सुंदरे हुई। ए बरा तो बाबूजी बुढ़ा जाता रे, बेटा नौकरी करे लगता रे, कमाए लगता रे, कोनो कार्य करे खाती उद्धत होता रे। बाबूजी के बुझाता कि ना ई काम से घाटा होई, ई गलत बा। बेटा के रोकल चाहत तो बेटा कहे चुप रह, तहार माथा ठीक कब काम करत बा, हम जौन कहतनी हम जौन करतनी तबने ठीक बा, तू चुपचाप देखो, आ जब काम बिगड़ जाता तो पछतावा। ते शिक्षा मिले तो सुंदरकांड से। अब देखी जामोद जी भगवान हनुमान जी से कहनी कि हे हनुमान जी,
विशेष कुछ नहीं करके माता सीता के पता लगा करके अपने आंखी से देख के चल आवे के बाद तब जा करके आगे के कार्य भगवान के नेतृत्व में हमने के करे। अब देखिए हनुमान जी सब लोग के प्रणाम करके आउजा से चलता निका तो कभी कहले बबुआ कि चल ले लंका बानर लोग के सीर नाई के। हनुमान जी जल्दी हले का तो चल ले लंका बानर लोग के सीर नाई के धरी रघुराई के। चलले लंका बानर लोग के सिर नाई के हृदय धरी रघुराई के। कैसे जिमी अमोघ रघुपति करबान आओ ते ही भांति चले हनुमान। हनुमान जी कैसे चलता रे तो उसही चले ले हनुमान कैसे आ जैसे चले ला राम के बाण। सही चले ले हनुमान जैसे चले ला राम के है। कैसे तलल सा लागल रहे आ देखती सिया माई के हृदय धरी रघुराई के ना। और देखी होत का बा समुद्र देखले कि हनुमान भगवान के कार्य खातिर जा रहे बड़े तब मैनाक पर्वत के कहते हे मैनाक समुद्र से निकल आ इनकर पिता के उपकार तहरा बाबा तो आज ओहरीण से उरीण होके के समय तहरा मिलल बा हनुमान के कुछ विश्राम प्रदान करके तू कुछ ऋण से उरीण हो। जल निधि करे ले विचार आओ ताड़े पवन कुमार कहले हे मैना कतुहर श्रम बैठाई के हृदय धरी रघुराई के ना। जय हो कहले हे मैना कतुहर श्रम बैठाई के हृदय धरी रघुराई के ना। निकल गईले हनुमान जी उनका के प्रणाम कईले कहले कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान के जले काज ना होई तले हमरा विश्राम निखे करे के आगे बढ़ले देवता लोग विचार कर जात पवन सुत देव ने देखा जाने कहूं बल बुद्धि भी सेखा परीक्षा लेवे खातिर हनुमान लंका में जा रहल बड़े पास हुई है कि फेल हुई है परीक्षा लेवे खातिर एकरा के भेजो लोग सांप के महतारी सुरसा के बबुआ हो। तब देखी हनुमान जी के आगे सुरसा आके खाड़ हो गई बड़की मुंह बाक आज हमरा के देवता लोग आहार प्रदान कैले बा आज सुरन मोहिदीन में आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। माई माता सीता के खोज में जा रहल बानी भगवान श्री राम के कार्य हेतु जा रहल बानी अरे वाह हमरा के खाई लेकिन तनी भगवान के कार्य को के हमरा के आवे दी। सुरसा कहले कि माई कहला से काम ना चली हम स्वयं सांप के महतारी हैं हम तो स्वयं अपना बच्चा के भी खा जाइला तो तू हमारा के माई कहब तो बाच जाइब ना ना कव नहु जतन दे ही नहीं जाना ग्रसत न मोहि कहू हनुमाना। तेरा पहले हनुमान जी बड़ी निहोरा कैले कहत का बड़े बबुआ कि नाम हनुमान दूत हरि नाम हनुमान दूत राम जी के बानी
सीता जी के देखी तनिए में अवतानिए नमः सफैया कहिलाए मैया झूठ न तनिको जानी बात सफैया कहिलाए मैया झूठ न तनिको जानी नाम हनुमान दूत राम जी के बानी सीता जी के देखी तनिए में आवता सुधिया प्रभु से सुनाई सीता जी के सुधिया प्रभु से सुनाई साच कहतानी मैया साच कहतानी मैया लीही बात मानिए सीता जी के देखी तनिए में आवतानिए साच कहतानी मैया अब देखिए कौनो प्रकार से जाय ना देली तो हनुमान जी कहली कि तो ठीक बा हनुमान जी कहली कि तो लीला जब हमरे के जाय ना देबू तो देखी तारे में कतना औकात बा हनुमान जी को हतारे का बबुआ हरी आंख लाल लाल को के हरी आंख लाल लाल को के अरे कहले अंजनी के लाल आ वो देखी मजाल वो देखी मजाल हमारा के लीले खाती को तो हत बक्का लिया वो देखी मजाल हमारा के लीले खाती को तो हत बक्का लिया वो देखी मजाल का हो तो सुरु सजो सो बदन बढ़ावे लिए सुर सजो सजो समूह फैलावे ले हनुम दो गुण रूप देखावे ले का भाई अब देखी सोरह जो जन मुक्त ठेबू तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ जस्य सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कवि रूप देखावा अंत में क्या कहिले सत जो जनत ही आनन किन्हा यति लघु रूप पवन सुत हनुमान जी का 200 जोजन के ना हो जाते लेकिन देखी हनुमान जी बुद्धिमान कतना है ज्ञानियों में अग्रगण्य है अब देखी हनुमान जी विचार करे कि 200 जोजन के हो जाए आ 100 जोजन समुद्र के चौड़ाई बा हम ही 200 जोजन के हो जाए तो एगो गोड़े ही पारा एगो गोड़ो लीला में विघ्न उत्पन्न हो जाए तब हनुमान जी जब बुद्धि के प्रयोग कर बुद्धि लगौनी आ सत जोजन तही आनंद की न सय जोजन में उनकर मुंह फैलल बा हनुमान जी तुरंत ने छोटा सा रूप बना करके सत जोजन तही आनंद किन्हा यति लघु रूप पवन सुत आ क्या कहले तधई के छोटा रूप घुसी अरे धई के छोटा रूप घूमी अरे अइले तत्काल आव देखी मजा तो हमरा के लीले खाती को तो हत बग्गा ले आव देखी मजा हमरा के लीले खाती को तो हत बग्गा ले आव देखी मजा हमरा के लीले खाती को तो हत बग्गा ले आव देखी मजा जब मुंह में ढूक करके हनुमान जी बहरी आ गई आके प्रणाम कहले कि अब का विचार बा आदेश का बा प्रसन्न हो गईली कहली कि जा आशीर्वाद देली वरदान देली राम काज सब करी हू तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर सी चले हुए
भी आगे बढ़े, फिर रुकावट मिल, फिर रुकावट मिलल के राक्षसी ही निशिचरी एक सिंधु महु रही आ करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके परछाही गहई छा सक सोन उड़ाई एही विधि सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान कह किन्हा अता सुकपट कपितुरत ही। हनुमान जी चिन्हे में देर ना लगौल, हनुमान जी चिन्हे में देर ना लगौल, जान गईले राक्षसी ही परछाई धक घिचतिया हमरा की। हनुमान जी जात रहले है आग जाए लगले नीच, देखले के री ई कौन जंतर लागल हमरा के घीच। हनुमान जी चिन्ह गेले देर ना कैले मुआ करके आ तब हनुमान जी आगे बढ़ले तो कभी कहता रे का बबुआ सरपन के माई के बुरबक बनाई के सिंहिका के छनही में कैले न पाता पवन कुमार पार सागर के चली गईले कर ले विचार के न खोजी सिया माता पर्वत ऊपर चढ़ी देखले नगर भर के लंका नगरिया में हलचल सुनाता लोकनाथ श्री रघुनाथ जे कर दिलवा में ओ कर रामा शंकर साथ देवेले विधाता। अब देखिए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच करके पर्वत पर चढ़ के अलंका के व्यवस्था के देखता रे। तब एक भाग आप सबके हम सुनौनी, अगला बार अब फिर दूसरे का भाग में आगे के कथा रुवा सभे श्रवण करब सुंदरकांड के। एक बार जयकार बोलल जाओ, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार प्रणाम रहुआ तमाम भोजपुरियन श्रोता समाज के तहे दिल से बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन बा। सुनो टेक चंदा कैसे हंसराज जी, लीला किशन जी, अंकित बीज जी, राजेश ठुकराल जी, साथ ही साथ विजय भैया हमारे गर्जियन बड़े भैया व्यास श्री रमा शंकर सिंह जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आने का कष्ट करें। रमा शंकर सिंह जी आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि इन्हें फूलों का हार देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रणाम नमस्कार, हम व्यास रामा शंकर सिंह तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के हाथ जोड़ करके विनम्र प्रणाम करता नहीं। आज एगो कथा के माध्यम से आप सबके सेवा करे हम जा रहल बानी। ए टीम में हमरा साथ संगत कर रहल बानी, नाल पर हमरा राजन भाई, तबला पर हृदय भाई, क्लारिनेट पर हमरा फिरोज भाई, भिखारी भाई बैंजू पर संगत कर रहल बानी, मोहित बबुआ जोड़ी पर संगत कर रहल बानी, कोरस करे खातिर हमर शिष्य गोलू लाल यादव जी, अनिल यादव जी, साथ में आशीर्वाद देवे खातिर हमर गुरु माननीय शैलेंद्र सिंह जी विराजमान बानी। आज सोनोटेक चंदा कैसेट के माध्यम से हंसराज जी के निर्देशन में हमरा बबुआ छोट भाई अखिलेश कुमार यादव जी के डायरेक्शन में हम हार्दिक अभिनंदन करतानी।